ये जो स्टेटर आप लोग देख रहे हैं ये हमारा एक 12+12 का स्टेटर है और आज की इस वीडियो में हम इसे एल्युमिनियम वायर से रिवाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसे स्टेटर को मैंने मशीन पर लगा दिया है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और अब बात करते हैं इसके स्टेटर की मोटाई के बारे में। तो स्टेटर की हमारी जो मोटाई है, ये जो कोर है इसके स्टेटर की, 11 mm इसकी स्टेटर की मोटाई है। और इसमें जो स्लॉटों की संख्या है वो 12 ही स्लॉट हमारे अंदर की तरफ है और 12 ही स्लॉट हमारे बाहर की तरफ है। तो इसमें टोटल जो कॉइल डलने वाली हैं वो 24 कॉइल डलने वाली हैं, 12 ही रनिंग के लिए और 12 ही स्टार्टिंग के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसका एल्युमिनियम बाइंडिंग डाटा आप लोगों को बताने वाले हैं कि किस डाटा से आप इसे एल्युमिनियम वायर में रिवाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका एक कॉइल डालना स्टार्ट करते हैं। स्टेटर को हमने मशीन पर लगा दिया है, अब हम मशीन करते हैं स्टार्ट। तो देखिए हमारा स्टार्टिंग का एक कॉइल इसमें डल के कम्प्लीट हो चुका है। और इसमें हमने जो टर्न रखे हैं वो देखिए मीटर पे आपको दिखाते हैं। 390 टर्न मैंने इसमें सेट किए हैं, 420 टर्न हमारे एक स्टार्टिंग के कॉइल में आ चुके हैं। तो स्टार्टिंग का डाटा जो हम रखने वाले हैं वो 35 नंबर एल्युमिनियम वायर से, और प्रत्येक कॉइल में जो टर्न हम रखने वाले हैं वो 420 टर्न रखने वाले हैं। तो इस तरह से इसका स्टार्टिंग का डाटा रहने वाला है एल्युमिनियम वायर 35 नंबर से 420 टर्न। तो चलिए फटाफट हम सभी स्टार्टिंग की बाकी की सभी कॉइलों को रिवाइंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको इसका रनिंग का डाटा बताते हैं कि रनिंग में हम कितने टर्न इस तरह से रखने वाले हैं। देखिए, स्टार्टिंग वाइंडिंग हमारी हो चुकी कंप्लीट, सभी कॉइलें हमारी स्टार्टिंग की डल के कम्प्लीट हो चुकी हैं। और स्टार्टिंग का डाटा हम आप लोगों को एक बार फिर से बता देते हैं। इसमें हमने जो टर्न रखे हैं एक कॉइल में वो 420 टर्न रखे हैं, और इसकी बाइंडिंग जो हम कर रहे हैं वो एल्युमिनियम वायर 35 नंबर से इसकी बाइंडिंग की है हमने। अब रनिंग बाइंडिंग हम इसकी करने वाले हैं, और रनिंग बाइंडिंग के लिए हमने स्टेटर को मशीन पर लगा दिया है और डाई को हमने सेट कर दिया। अब इसकी मशीन के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रनिंग का एक कॉइल हमारा इसमें डल के कम्प्लीट हो चुका है, और इसमें हमने जो टर्न रखे हैं वो देखिए 440 टर्न इसमें हमने रखे हैं। और जो वायर का नंबर है हमारा वो सेम ही रहने वाला है, 35 नंबर एल्युमिनियम वायर। तो इसी तरह से आपको सभी कॉइलों का रिवाइंडिंग कर लेनी हो, टर्न हमारे जो रहेंगे वो प्रत्येक कॉइल में सेम ही रहने वाले हैं। तो चलिए फटाफट इसकी रिवाइंडिंग कर लेते हैं। तो देखिए, रनिंग का हमारा सभी कॉइल इसमें कम्प्लीट रिवाइंडिंग हो चुका है, और प्रत्येक कॉइल में हमने जो टर्न रखे हैं वो 440 टर्न ही रखे हैं 35 नंबर एल्युमिनियम वायर से। तो इस तरह से इसका रनिंग का डाटा हो गया। तो एक बार आपको कंप्लीट डाटा हम और बता देते हैं। स्टार्टिंग में हमने जो डाटा यूज़ किया है वो 35 नंबर से 420 टर्न, और रनिंग के लिए 35 नंबर एल्युमिनियम वायर से ही हमने 440 टर्न रखे हैं। और स्टंपिंग की हमारी जो मोटाई है वो है 11 mm। तो इस तरह से इस फैन का रिवाइंडिंग डाटा हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।